सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सीएम शाबाज खान है, इंस्टा एम्पावरमेंट पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सबसे पहला मकसद जो है, देखो आप देख ही रहे हो टीवी वगैरह में, सबसे पहले अभी इन्होंने 4% का जो हमारा मिस इलाके वगैरह था उसको कैंसिल किया है, इनको करने दो। क्योंकि हम जो नौजवान हैं ना, जिस दिन हम सलाउद्दीन अयूबी जैसे उठकर आना लग जाएंगे तो इनको खुद जगह नहीं रहेगी। तो मकसद ये नहीं था, मैंने गवर्नमेंट से मांग की थी कि हिजाब पहनकर मेरी बहनों को एग्ज़ाम लिखने दिया जाए, क्योंकि लाखों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस वजह से। हज़ारों नहीं सर, लाखों, क्योंकि 75,000 स्कूल्स हैं खाली। अब तुम कॉलेजों का हिसाब डालोगे तो कितने हज़ार हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इनसे आवाज़ लगाई थी, विधानसभा से भगा दिया गया मुझे, 71 दिन के लिए जेल भेज दिए गए इन्होंने। तो मकसद क्या है? यही तो मकसद है, क्या कर लिया इन्होंने? 71 दिन जेल हुई, मेरी बहनों के लिए लड़ा, मेरी माँ बहनों ने देखा, उनके हिजाब के लिए लड़ा, अंदर रखकर बाहर आने के बाद इनका तो कुछ तो भला होना चाहिए था ना, कहाँ हुआ इनका भला? इनका तो उल्टा बर्बाद हो गया ना। मैं आके खुद अपनी पार्टी बना दिया, अब तो मैं पूरे इंडिया के अंदर लड़ूंगा, या तो मैं जीतूंगा या तो मैं सीखूंगा, मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला। जी जी जी, आपको लग रहा है कि मुसलमानों के वोट तोड़ रहे हैं, अब तक जो मुसलमानों को तोड़ रहे थे उनको बुला के क्यों नहीं पूछते आप? आज तक जो बिछड़े हुए लोग में हमारी गिनती आ रही है, मुसलमानों को जब किसी लड़की की शादी होती है मुसलमान की, तो अगर 50,000 रुपये सरकार से दिलाने होते हैं शादी के, वो उस टाइम पे नहीं आती। किसी की मैयत उठ रही होती है मुसलमान में, तब कोई सरकार नहीं आती। तब जब लोग बिछड़ रहे होते हैं, किसी मुसलमान के बच्चे को जेल में डाल देते हैं, तब तो तुम्हारी ये वोट नहीं टूटते। हम अगर आते हैं, हम अगर लड़ते हैं, हम मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ ना, मेरा, मैं भारतीय हूँ। ये लोग भूल गए हैं कि मैं मुसलमान हूँ, टूट जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल आ रहा है, सेकेंड बीजेपी है वो, उसको तोड़ नहीं है, वो तोड़ नहीं रहा है आपके वोट। आपको लग, मैं लड़ूंगा तो आपको लग रहा है कि मैं आपके वोट तोड़ दे रहा हूँ। अगर ऐसी सोच रखने वाले हैं तो आप कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र देश है, इसके अंदर कोई भी लड़ सकता है। मैं तो कहता हूँ आप वोट तोड़ दे, इससे सोचने से अच्छा आप खुद MLA इलेक्शन लड़ लें, क्योंकि ताकि उनके दिमाग में आए कि अगर इनको हमने कुछ करके नहीं दिया गली मोहल्ले के काम, तो ये भड़क कर जो है हमारे अपोजिशन कैंडिडेट खड़े जाएंगे। क्या लगता है आपको आने वाले